जिस तरह से दूध फटता है, पनीर और पानी अलग हो जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी इस बार बहुत सुंदर से पनीर बना के यहाँ के मधेपुरा के लोगों को भविष्य का मिठास देंगे। नीतीश जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि 15 साल पुराना देखो, उसी हाल में चले जाओगे। अरे बहाना क्यों बनाते हैं, 15 साल बाद क्या होने वाला उसका बात कीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ है मोहम्मद मिराज आलम। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साकार यादव, LGP के उम्मीदवार हैं, मधेपुरा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा होगा, रोडमैप होगा, तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मैनोफेस्टो भी क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांटे की टक्कर है इस बार? बिल्कुल नहीं। कैसे कह सकते? देख लीजिए, एक 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 पक्ष में हो जाएंगे। जिस तरह से दूध फटता है, हम पनीर बनाने में एक्सपर्ट हैं, आप लोग यहाँ के लोग जानते हैं, पनीर और पानी अलग हो जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी इस बार बहुत सुंदर से पनीर बना के यहाँ के मधेपुरा के लोगों को भविष्य का मिठास देंगे, यही बस। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? बहुत सिंपल, यहाँ पे तो मुद्दा ही मुद्दा भरा हुआ है। अब जो चीज़ छूइए, शिक्षा छूइए मुद्दा है, कृषि छूइए मुद्दा है, शहर छूइए मुद्दा है, सड़क छूइए मुद्दा है, नाली छूइए मुद्दा है, बच्चों को देखिए मुद्दा, महिलाओं को देखिए मुद्दा, शौचालय को देखिए मुद्दा, यहाँ पे उद्योग को देखिए तो मुद्दा, भ्रष्टाचार को देखिए तो मुद्दा, यहाँ पे आप बिजली का बिल देखिए तो मुद्दा, सब मेरा मुद्दा विकास, यहाँ रहने लायक जगह बनाना है, इसको करना। क्यों मुद्दा एक है? सब काम करके दिखाएंगे, यहाँ का जनता निर्णय करेगा क्या क्या काम करना है, जनता की सरकार होगी। और भविष्य में भी जब चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी जब बनाएगी, अभी सरकार बनाने में मदद करने वाली सरकार को, तो जनता की सरकार आएगी। समय है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, हम लोग जनता हैं जो उठ के बोल रहे हैं। ये जो भीड़ और जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनता है जो बोल रही है। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में साकार यादव चुनाव में सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है ये सवाल आपको जनता से करनी चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा, ये 10 तारीख निर्णय करेगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एक काफ़ी बहुमत से जीतेंगे यहाँ। कई नेता चुनावी मैदान में है, लेकिन आपको ही लोग क्यों चुने? नेता मतलब? चुनाव मैदान में काफ़ी नेता मतलब क्या होता है आप बताइए? जो दूसरे को चोरी करे, जो सड़क नहीं बनाए, जो भविष्य नहीं दिखाए, ये चोर सब है सब। या क्या मानते हैं कि नेताजी चोर होते हैं? हम एकदम मानते हैं नेताजी चोर नहीं होते हैं। तो नेता नेता ही होता है, नेता नेता ही नहीं है यहाँ पर। हम क्या बोल रहे हैं नेता चोर होते हैं? नेता होता तो इस जगह का ये हाल होता, हमको नाली में उतरना पड़ता। हम ये बोले हैं इस बार बिना चप्पल का प्रचार प्रसार करेंगे हम। क्यों? लोगों को बताने के लिए कि कुछ भी चीज़ पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, और हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। लोगों को दिखाने के लिए, क्या सड़क यहाँ टूटी हुई नहीं थी, मुझे क्यों चलना पड़ा? कभी कभी रोज यहाँ पे अगर एक घाव हो जाता है ना, रोज वो देखते देखते आदत हो जाता है उस घाव का, तो कभी कभी दिखाना पड़ता है, ये देखो ये चीज़ ठीक नहीं है। आज आपका नॉमिनेशन फाइनल हुआ है, नॉमिनेशन देने के बाद आप नाली में कूदे हैं, गंदे पानी में काफ़ी देर तक खड़े रहे, क्या मकसद क्या था? देखिए, हमेशा यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास बगल में है, आपको मालूम, सब लोग को मालूम है, मुख्यमंत्री आते हैं तो यहीं रहते हैं। वहाँ से मुझे लगता है 100 मीटर की दूरी भी नहीं है जहाँ पर आप सड़क और नाली का हालत देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री आते हैं, सड़क के दोनों तरफ पर्दा लगाया जाता है, ये आप लोग भी देख लीजिए, क्यों लगाया जाता है, किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या मानते हैं कि विकास, जो नीतीश कुमार कहते हैं, वो विकास आने से पहले कहीं ना कहीं? सबका समय होता है, उनका समय खत्म हो गया। किनका? नीतीश जी का, JDU का। क्या की विकास नीति है? अगर कुर्सी नीति है तो बाबा राम राम, विकास नीति है तो आइए दो हाथ हो जाए, तो ये तो साफ है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या लगता है सफल हो पाएगा? कि गुजरातियों को देखिए कितना गर्व है, पंजाबी पे देखिए कितना गर्व है, महाराष्ट्र को देखिए कितना गर्व है, बिहारियों के दिल के जिंदर झांकिए देखिए कितना गर्व है। बाहर जाते हैं तो छोटा कर दिया जाता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग के पास जितना जो था वो सब खत्म कर दिया गया, लूट लिया गया है, और हम लोग को छोटा दबा के रखा गया है कि हम लोग पे वो राज कर सकें। जिस जिस चीज़ पर नाज करते हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। और बोला नीतीश जी का, देखिए नीतीश जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि 15 साल पुराना देखो, उसी हाल में चले जाओगे। अरे बहाना क्यों बनाते हैं, 15 साल बाद क्या होने वाला उसका बात कीजिए ना।
ख़त्म हो गया। देखिए कोई भी आदमी का, देखिए राजनीति और सरकार चलाना और जनता के लिए नए नए काम करना, हमेशा उसमें बदलाव आते रहता है। समय का बदलाव है ये, इसमें ये नहीं है कि साकार यादव आ गया, समय ने इस मुझे डाला है, समय ने चिराग पासवान जी को यहाँ पे डाला है, ये तो समय का फेर है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समय चेंज हुआ है, समय बदला है, तो साकार यादव मधेपुरा के विकास को बदल देंगे? मैं कैसे बोलूँ आपको, किस मुँह से बोलूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरा ईमान, ये मुझे इजाज़त नहीं देगा यहाँ के लोगों से चोरी करने के लिए। आप क्यों पूछ के मुझे बेइज्जत कर रहे हैं बार बार, जब मैंने एक बार कह दिया करूँगा तो करूँगा, बार बार पूछ के जवाब थोड़ी जो बदलेगा मेरा। नहीं, फिर से अच्छा रिपोर्टर हैं आप, बार बार पूछते रहते हैं, नहीं कुछ होने वाला उसमें। साकार यादव का साफ तौर पे कहना है कि अगर हम जीतते हैं तो विकास करेंगे, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। आपको पता होगा आज इनका नॉमिनेशन फाइनल हुआ है, नॉमिनेशन फाइनल होने के बाद ये चप्पल उतार के गंदे पानी में काफ़ी देर खड़े रहे, लोगों को संबोधित किए, साफ तौर पे कहना है कि विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि साकार यादव किस तरीके से विकास कर पाते हैं। इस वक्त के लिए इतना ही, मधेपुरा से मिराज आलम की रिपोर्ट।